إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں تمام تر حالات میں, تنگی کے حالات ہوں یا آسانی کے, زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. اس وقت ملک میں بلکہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو حالات ہیں وہ ہم سب سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, حالات بالکل واضح ہیں. دنیا بند ہو گئی, ساری حرکتیں منجمد ہو گئیں, لوگ اپنے گھروں میں مقفل ہو گئے. اگر ان حالات پر ہم غور کریں تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے اور ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت کا موقع ہے. اس وائرس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا. جو ممالک غرور, گھمنڈ اور تکبر کا شکار تھے آج انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے. جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے اور دنیا میں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے, آج سب کی حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ اگر کوئی طاقت ہے اس کائنات میں تو وہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے, اگر کوئی قادر مطلق ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے. ایک ایسی بیماری, ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا, اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بڑے بڑوں کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا. اگر ہم ان حالات پر غور کریں تو ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے, بہت بڑا درس ہے. ڈھائی تین مہینے تک ہم لوگ گھروں میں رہے, پورا رمضان اسی طرح گزر گیا. نماز جمعہ کے بجائے ظہر کی نمازیں گھروں پر ادا کرتے رہے, ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. معانقہ تو بہت دور کی بات ہے. ان حالات میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ہماری زندگی میں اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے اور ہم لاچار ہیں, مجبور ہیں. دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں اور اطباء اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ صاحب دوا نہیں ہے, کوئی دوا اس مرض کی ابھی تک ایجاد نہیں ہو پائی.
ये इंसानों की मजबूरी का खुला हुआ मजहर है कि इंसान दुनिया में कितनी ही तरक्की कर ले वो मजबूर है। वो ताकत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है वो किसी को हासिल नहीं है। कितनी लाखों फौज हो, हथियार हो, एटम बम हो, सब कुछ हो जाए लेकिन कुछ नहीं। सबके सरों को अल्लाह ने झुका दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आजजी और इनकिसारी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अल्लाह का बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आज जो हिदायत इस वायरस से महफूज रहने के लिए दी जा रही हैं, उन हिदायत पर आप गौर करें तो मालूम होगा कि ये सब वही हिदायत हैं जो इस्लाम ने हमें 1450 बरस पहले दे दी थी। इस्लाम ने हमें तालीम दी थी कि अत्तुहूर शतुर ईमान, पाकी तहारत आधा ईमान है। हमें इस्लाम ने गुस्ल करने का सलीका बताया, पाक साफ रहने का तरीका सिखाया, पांचों नमाजों के लिए वुजू की तालीम दी, जिसमें हाथ भी धुलते हैं, चेहरा भी धुलता है, पैर भी धुलते हैं। आज यही तो सब बताया जा रहा है कि साहब हाथ धोइए, साफ सुथरे रहिए, अपने घरों को पाक साफ रखिए। ये सब इस्लाम की हिदायत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाया कि जब सुबह को आँख खुले, तुम जाग जाओ, बेदार हो जाओ, तो पानी के किसी बर्तन में उस वक्त तक हाथ मत डालना जब तक हाथों को 3 मरतबा धो न लेना। बुखारी मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि जब तक 3 मरतबा हाथ न धो लो, पानी के बर्तन में हाथ मत डालना। क्या मालूम रात को सोते हुए तुम्हारा हाथ कहाँ पहुँचा है। ये हिदायत हैं। किताब तहारत पढ़ लीजिए, हदीस की किताबों में, हदीस की तमाम किताबों में तहारत के अबवाब मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम को फ़रोग देने, इस्लाम की तालीमात को बताने का मौका है। लॉकडाउन के इस पीरियड में बहुत सारी फजूल खर्चियों से हम लोग बचे। इस्लाम ने हमें सबसे पहले इसकी तालीम दी है कि फजूल खर्ची से बचो। अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें अता किया है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, कि जो कुछ तुम्हें हमने दिया है उसमें से न तो फजूल खर्ची करो न कंजूसी करो, बीच के रास्ते पर चलो, दरमियाना रास्ता इख्तियार करो, कंजूसी मत करो, बखालत मत करो और बहाव भी नहीं। ये तालीम हमें कुरान करीम ने दी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और फजूल खर्ची मत करो। आप ज़रा सोचिए, लॉकडाउन के पीरियड में पिज़्ज़ा, बर्गर, ये फास्ट फूड, जंक फूड, इससे सब लोग बचे रहे। ये वो खाने की अशिया हैं जिन्हें सारे अतिब्बा और डॉक्टर मना करते हैं कि मत खाओ, सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। लॉकडाउन के पीरियड में लोग इससे बचे रहे। इसे न खाकर भी लोग सही हैं, जिंदा हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्मल हालात में भी इस फजूल खर्ची से बचें। घर में खाना खा लिया, खा पी लिया है सब कुछ, उसके बाद फिर मुतालबात होते हैं बच्चों के, ख़वातीन के, पिज़्ज़ा मंगवा लीजिए, फला चीज़ मंगवा लीजिए, बर्गर मंगवा लीजिए, अब साहब ऑर्डर हो रहा है और चला आ रहा है। लॉकडाउन के पीरियड में ये सारी चीज़ें बंद हो गईं और सारे लोग खुशो खुर्रम रहे। ये सीखने का वक्त है कि हम फजूल खर्ची से बचें। शादियाँ, बहुत सारे बच्चों की शादियाँ हो गई इस पीरियड में, लोगों ने अपनी बच्चियों के निकाह कर दिए थोड़े से लोगों को बुलाकर। क्या नॉर्मल हालात में हम फजूल खर्ची से बचते हुए अपनी शादियों को अंजाम नहीं दे सकते।
दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची से हमें रोका है और इस बात की तालीम दी है, वआतिदिल कुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वबनस सबील वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन। अपने क़राबतदारों का हक़ अदा करो, क़राबतदारों की देखभाल करो, मसाकीन की ज़रूरतों को पूरा करो, मुसाफिरों की ज़रूरतों को पूरा करो, और देखो फजूल खर्ची मत करना। क्यों? कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाशुकरा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फजूल खर्ची से रोका है। लॉकडाउन का ये पीरियड हमें यही सिखाता है कि फजूल खर्ची से बचो। एक अरब आलिम ने कोरोना वायरस से मुतालिक एक तहरीर लिखी है और बहुत शानदार तहरीर है, हम सब के लिए उसमें बड़ा सबक है। उसका तर्जुमा ये है कि कोरोना वायरस से अगर आप महफूज हैं तो ख़ुद को बहादुर न समझें। एक एक लाइन बहुत गौर करने की है। कोरोना वायरस से अगर आप महफूज हैं तो अपने आप को बहादुर न समझें, और आपके अलावा अगर कोई शख्स कोरोना में मुब्तला हो गया है तो उसे कमज़ोर न समझें। आप कोरोना वायरस से बचे रहे इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप में बहुत ज़्यादा तकवा और परहेज़गारी है। इसी तरह अगर कोई शख्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाए तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो शख्स बहुत गुनाहगार है। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कहीं ज़्यादा मोहतात हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं, फिर भी उन्हें कोरोना वायरस हो जाता है, उसका शिकार हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एहतियात नहीं करते लेकिन इसके बावजूद वो महफूज हैं। कुछ लोग रोज़ाना ड्यूटी पर जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका महफूज रहना और किसी दूसरे का उसका शिकार हो जाना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और मर्ज़ी है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये सब अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की मर्ज़ी है, उसका इज़्न है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो महफूज रहा वो उसकी मशीयत से महफूज रहा, जो शिकार हो गया वो उसकी मशीयत से शिकार हो गया। इसलिए मर्ज़ में जो मुब्तला हो गए उन पर मलामत करने या उस फैमिली को बुरा समझने से रुक जाइए। उस फैमिली को, उन अफराद को बुरा मत समझिए, क्योंकि वो बेचारे पहले से ही जिस गम में हैं वही उनके लिए बहुत है। जान लें कि हमें जो भी मुसीबत पेश आती है वो इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलती कर दी है, या जो नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने गलती नहीं की है। याद रखें, अल्लाह ताला की बनाई हुई तकदीर पर तकदीर पूरी होकर रहेगी। बस एक अल्लाह ही हाफिज व निगरान है, इसलिए उसी से दुनिया व आखरत की खैर व भलाई और अमन व सलामती मांगनी चाहिए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ने कितनी कीमती बात कही है, फरमाते हैं, फ़कम मिन सहीहिन मात मिन गैर इल्लतिन वकम मिन सकीमिन आशही हीनम मिन अद्दहरी। कहते हैं, कितने ही तंदुरुस्त बिला किसी सबब के मर गए, कितने ही सेहतमंद लोगों को मौत आ गई, यानी फितरी मौत मरे हैं कितने ही सेहतमंद लोग, और कितने बीमार बरसों जिंदा रहे, बीमारी के साथ लोग जिंदा रहे। इसलिए भाइयों, असबाब दुनिया का क्या माना है कि जिन एहतियात की हिदायत दी जा रही है उनका लिहाज रखा जाए, उन तमाम चीज़ों को इख्तियार किया जाए जो एहतियात बताई जा रही है, और अल्लाह पर तवक्कुल रखा जाए। असबाब दुनिया के साथ तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल रखा जाए। दोनों को मजबूती से लाजिम पकड़ो और अल्लाह से खैर व भलाई मांगते रहो, महफूज रहोगे इंशाअल्लाह। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम
ولسائر المسلمين فاستغفروه انه كان غفارا.